ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया गुजरात के बड़ौदा मराठा राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। 12 दिसंबर 1994 में राजकुमारी प्रियदर्शनी और ग्वालियर राजघराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी हो गई थी। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी सिंधिया के दो बच्चे हैं जिनके नाम हैं महा आर्यमन सिंधिया और अनन्या राजे सिंधिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन लाइफ। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की लव लाइफ के बारे में। तो 1975 में प्रियदर्शनी सिंधिया का जन्म गायकवाड़ मराठा राजघराने में हुआ था। गुजरात के बड़ौदा मराठा राजघराने की राजकुमारी प्रियदर्शनी सिंधिया के पिता बड़ौदा के आखिरी राजा प्रताप सिंह के पुत्र थे। उनके पिता कुंवर संग्राम सिंह राजा प्रताप सिंह के तीसरे बेटे थे। वहीं उनकी मां नेपाल राजघराने की राजकुमारी थी। 1991 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी सिंधिया की पहली मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हो चुकी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली नजर में ही प्रियदर्शनी से प्यार हो गया था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। करीब 3 साल तक मुलाकातों का दौर चलता रहा। उसके बाद 12 दिसंबर 1994 में राजकुमारी प्रियदर्शनी और ग्वालियर के राजघराने के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की शादी हो गई। दोस्तों, अपनी सास माधवी राजे सिंधिया के मन में पहले ही वो बैठ चुकी थी। प्रियदर्शनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया ने राजकुमारी प्रियदर्शनी को ग्वालियर राजघराने की बहू के रूप में पहले ही चुन लिया था। जब प्रियदर्शनी 13 साल की थी, तब उनकी पहली मुलाकात माधवी राजे से हुई थी। प्रियदर्शनी की गिनती देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में भी होती है। वर्ष 2012 में उन्हें देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया था। दोस्तों, फैशन मैगजीन सर्वे के अनुसार भी दुनिया की 20 सबसे खूबसूरत शाही महिलाओं में भी प्रियदर्शनी का नाम आता है। इसके अलावा फेमिना मैगजीन द्वारा जारी इंडियाज 50 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन लिस्ट में प्रियदर्शनी जगह बना चुकी है। अपने शाही अंदाज के लिए प्रियदर्शनी सिंधिया सुर्खियों में हमेशा ही रहती है। राजपुताना पोशाक से लेकर शाही अंदाज में साड़ी पहनकर अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कार्यक्रमों में भी नजर आती हैं। कांग्रेस के साथ 18 साल का सफर करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योतिरादित्य की दादी और ग्वालियर की राजमाता विजय राधे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। 10 मार्च 2020 को पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही तमाम वीडियोस बनाता रहूंगा। नमस्कार।